महिला कोच के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी। आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवरा ने खट्टर सरकार पर बोला हमला। पीड़ित के साथ खड़ा होने के बजाय उसे प्रताड़ित कर रही खट्टर सरकार चित्रा। मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से महिला कोच को किया गया सस्पेंड चित्रा। बेटियों की सुरक्षा करने में असमर्थ है खट्टर सरकार चित्रा। गीता जी में भी लिखा जिस दरबार में एक नारी का अपमान हो उसका पतन निश्चित चित्रा। बहुत मशहूर कवि रहे हैं अकबर अलाहाबादी जी, जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और आज हरियाणा प्रदेश की बेटियां हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कुछ यही बात कहना चाहती हैं और पूछना चाहती हैं। 8 महीने पहले एक महिला कोच ने इल्जाम लगाए थे, एक मुद्दा खड़ा किया था कि मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथों जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है इसमें मुझे इंसाफ मिले, और उस बेटी को इंसाफ के अलावा इन 8 महीनों में सब कुछ मिला। उसकी जहां मानसिक प्रताड़ना हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, SIT की प्रोब छुप रही, उसने ये भी कहा कि मेरे पर जानलेवा हमला हुआ, सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी ली गई, और जिस बात का हमें शुरू से डर था, जो हमने कहा था कि सरकार उसकी जान की सुरक्षा के साथ उसकी नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, आज वही हुआ। एक शब्दों का बहाना बनाकर कि इन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो सर्विसेज कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो फॉलो नहीं करा, इस बहाने पर आज उस महिला कोच की नौकरी भी इस सरकार ने छीन ली है। और जबकि दूसरी तरफ वो मंत्री बरकरार हैं, उन्होंने अपना मंत्रालय चाहे CM साहब को दे दिया हो, लेकिन हर मुख्य फंक्शन पर, चाहे वो चाहे वो हमारा 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, वो आज भी झंडारोहण कर रहे हैं। इस देश में इस झंडे की और बेटियों की असमत की क्या कीमत है, वो संसद के उद्घाटन के दिन पूरी दुनिया ने देखी थी जब पुलिस के पैरों के नीचे दोनों रौंदे जा रहे थे। मैं खट्टर साहब से कहना चाहूंगी कि हमारी जो गीता है, जो हमारा महाग्रंथ है, उसने भी कहा है कि जिस दरबार में और जिस सरकार में एक महिला का अपमान होता है और शासक देखता रहता है, उसका पतन सुनिश्चित है। तो आप कृपया करके जागिए, मात्र नारों की राजनीति ना करें, इस बेटी को उसके अधिकार सुनिश्चित करें और उससे पहले इसकी नौकरी सुनिश्चित करें। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां देख रही हैं कि क्या आप उनको इंसाफ देंगे कि आप सिर्फ नारे करके, चुनावी वादे करके वोटों की तरफ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।